दोस्तों आईपीएल 2021 की स्टार्टिंग से पहले इंग्लैंड की टीम जो है इंडिया का एक बहुत ही लंबा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा जो है वो करने वाली है, जिसके पूरे शेड्यूल का अनाउंसमेंट बीसीसीआई ने जो है वो कर दिया है। इस वीडियो में दोस्तों हम पूरे ही डिटेल में आपको पूरा शेड्यूल जो है वो बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और दोस्तों आपको क्या लग रहा है, जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आएगी तो क्या वो इंडिया में आकर इंडिया को हरा पाएगी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों यहां पर ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद टीम इंडिया जो है वो वापस इंडिया आ जाएगी और इसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है 2021 की स्टार्टिंग में ही इंडिया का दौरा करने वाली है, जहां पर 4 टेस्ट मैच, 5 टी20 मैच और 3 ओडीआई मैच की सीरीज इंडिया में जो है वो खेली जाएगी। इसके पूरे शेड्यूल का अनाउंसमेंट दोस्तों यहां पर बीसीसीआई ने जो है वो कर दिया है, जहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज की शुरुआत जो है वो होगी दोस्तों 5 फरवरी को, जब पहला टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। ये मैच जो है वो चेन्नई में खेला जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा टेस्ट मैच भी चेन्नई में खेला जाएगा, जो कि 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच जो है वो खेला जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है वो होगा दोस्तों थर्ड टेस्ट, जो कि अहमदाबाद में खेला जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये टेस्ट मैच जो है एक डे नाइट टेस्ट होने वाला है, यानी कि पिंक बॉल से ये टेस्ट जो है वो खेला जाएगा मोटेरा के क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि दोस्तों 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक जो है वो खेला जाएगा। वही दोस्तों आखिरी टेस्ट की अगर बात करें तो चौथा टेस्ट जो है वो अहमदाबाद में ही खेला जाएगा, 4 मार्च से लेकर 8 मार्च तक ये टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। तो ये दोस्तों टेस्ट मैच के सीरीज की बात हुई। अब बात करते हैं टी20 सीरीज की, क्योंकि टेस्ट सीरीज के बाद टी20 सीरीज जो है वो खेली जाएगी, जहां पर 5 टी20 मैच खेले जाएंगे। सभी का वेन्यू जो है वो सेम रहने वाला है, अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में सभी टी20 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। पहला टी20 मैच 12 मार्च को, दूसरा टी20 मैच 14 मार्च को, इसके बाद दोस्तों तीसरा टी20 मैच 16 मार्च को, चौथा टी20 मैच 18 मार्च को और आखिरी टी20 मैच जो है वो खेला जाएगा 20 मार्च को। यानी कि एक एक दिन के गैप के बाद हमें टी20 मैचेस जो है वो देखने को मिलेंगे और यहां पर 20 मार्च को फाइनल टी20 मैच जो है वो खेला जाएगा। और इसके बाद दोस्तों शुरू होगी ओडीआई सीरीज, जहां पर 3 ओडीआई मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। तीनों ही ओडीआई मैचेस जो हैं वो पुणे में खेले जाने हैं, यानी कि पुणे में ओडीआई सीरीज जो है वो होते हुए हमें नजर आएगी। पहला ओडीआई मैच खेला जाएगा 23 मार्च को, दूसरा ओडीआई मैच होगा 26 मार्च को और आखिरी ओडीआई मैच जो है वो खेला जाएगा दोस्तों 28 मार्च को। और इसके कुछ दिनों बाद ही आईपीएल 2021 की स्टार्टिंग जो है वो दोस्तों हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है जो कि यहां पर इंग्लैंड के इंडिया दौरे का जो है वो घोषित कर दिया है बीसीसीआई ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोस्तों ये दौरा रहने वाला है, जहां पर टेस्ट मैचेस भी देखने को मिलेंगे, टी20 सीरीज भी देखने को मिलेगी और ओडीआई सीरीज भी हमें देखने को मिलेगी। अब दोस्तों आपको क्या लग रहा है, टीम इंडिया कौन कौन से फॉर्मेट की सीरीज जो है वो जीत पाएगी टेस्ट, टी20 और ओडीआई में से? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।